हमारे लिए बड़े हर्ष और उत्साह का बात है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भारतीय धर्म और कुंभ के लिए इतना ज़्यादा कार्य कर रहे हैं और ये कुंभ दिव्य कुंभ ही होगा। इस बार कुंभ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या आने की उम्मीद है और जिस तरह का यहाँ पे आयोजन कराया जा रहा है, जिस तरह से क्षेत्रफल यहाँ पे भूमि आवंटन करके लोगों को सुविधाओं का ख्याल करके काम कर रहे हैं, ये ऐतिहासिक कुंभ होगा इस बार। और इस बार 71 देशों के राजनयिक आके वैसे भी इसको शुरुआत कर चुके हैं ग्लोबल कुंभ का, और पिछली कई सरकारों यहीं पर जितना मोदी जी ने और योगी जी ने इस कुंभ के लिए किया है आज तक किसी ने नहीं किया। ये दिव्य कुंभ होगा, ये गंगा माँ का आशीर्वाद सबको प्राप्त होगा। बड़ा सुंदर, बड़ा रमणीक यह प्रयागराज का स्थान है और ऐसे स्थान पर मोदी जी आकर के हमारे हिंदुस्तान की धर्मों की एक उत्तम प्रचार, एक उत्तम दृश्य, विहंगम दृश्य पूरे दुनिया को दिखलाई जाएगा। और यहाँ तीर्थराज प्रयाग, ये संपूर्ण जगतिक ब्रह्मांड का मध्यस्थ स्थान तीर्थराज है और यहाँ का यह पूजन कार्य करने से हमारे देश का उत्थान होगा, धर्म गति से क्रिया आगे बढ़ेगी, लोगों की आस्था जगेगी और जन कल्याण के लिए पूजन कामना से मोदी जी आ रहे हैं। हम लोग यही आशीर्वाद देंगे कि हिंदुस्तान की जनता के मन में सद्बुद्धि प्रदान होता रहे, सदैव अपने धर्म के प्रति आस्था बढ़ती रहे और जन कल्याण हो। यही विचार से हम लोग तीर्थराज प्रयाग में शुभकामना करते हुए गंगा पूजन का आयोजन कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। जैसे जैसे प्रधानमंत्री आने का जो टाइम है वो टाइम नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे घाटों पे लोगों की जनसंख्या उमड़ना शुरू हो गया है। धीरे धीरे लोग यहाँ पे इकट्ठा होने लगे हैं और आपको हम बता दें कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम घाट में पहुँचेंगे। नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज नगरी में पहुँच रहे हैं और सबसे पहले वो 4048 करोड़ के जो लोक निर्माण हुए, जो विकास कार्य हुए हैं कुंभ को ध्यान में रख के, उसका लोकार्पण करेंगे। इसके साथ साथ जो 366 परियोजनाएँ हैं उसका भी शिलान्यास करेंगे। आपको हम बता दें कि नरेंद्र मोदी ये जो घाट है इस घाट पे आएंगे और यहाँ पे पूजा पाठ करेंगे। उसके बाद यहाँ जो कुंभ मेले में लगाए हुए हैं प्रदर्शनी, ही कुंभ मेले के लिए प्रदर्शनी लगाएंगे, उसका अवलोकन करेंगे। इसके साथ साथ वो किला के अंदर जो अक्षयवट ब्रिज है उसका भी दर्शन करेंगे। वहाँ से सीधे निकल कर वो झूसी अंदावा में जनसभा संबोधित करेंगे। प्रयागराज से सुमित यादव, ईटीवी भारत।